here is to exercise for you. अब ये देखना है कि पिछले दिनों में प्रीपोजिशन आप कितने बेहतर ढंग से पढ़ेंगे. देखिए इंग्लिश में दो ही चीजें होती हैं, या तो समझ में आ जाता है या समझ में आता ही नहीं है. उसके बीच की कोई स्टेज इंग्लिश में नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा नहीं आता, ये नहीं होता है. और मेरा तो ये मानना है कि सब्जेक्ट कोई भी हो उसमें दो ही स्थितियां होती है, आइदर यू नो और यू डोंट नो. या तो तुम उसके बारे में जानते हो या नहीं जानते हो. सर थोड़ा थोड़ा मुझे आता है, थोड़ा थोड़ा वाला तो चलता ही नहीं है, कम से कम नॉलेज के मामले में नहीं चलता है. जो थोड़ा ज्ञान है वो बड़ा क्या होता है, खतरनाक होता है. मैं आपको जैसे बता दूं कि किस प्रकार से खतरनाक होता है. एक नदी थी, ठीक है ना, नदी एक परिवार जा रहा था, नदी बीच में आ गई. देखा कि नदी किनारों से तो उथली थी, कम गहरी थी, पर जैसे नदी के बीच में जाएंगे तो वहां गहराई बढ़ती है, वहां गहराई बढ़ती, फिर उसके बाद आगे और उसकी गहराई कम थी. अमूमन नदी के सेंटर में क्या होती है, एक्चुअल में गहराई बढ़ती है. अब वो परिवार में दो तीन बच्चे थे, पति थे, पत्नी थे, पति पत्नी की लंबाई ज्यादा थी और बच्चे थोड़े छोटे थे. और वो जो व्यक्ति था, जो आदमी था, वो थोड़ा गणितज्ञ था, तो उसका दिमाग गणित के हिसाब से चलता था. उसने कहा कि, पत्नी ने कहा कि लगता है नदी बीच में गहरी ज्यादा है, अपन पार उसमें नहीं करेंगे. तो उसके पति ने कहा कि मैं तो गणितज्ञ हूं, मैं तो इस नदी की औसत गहराई मापूंगा. वो एक लकड़ी लेके गया, जब किनारों पे देखा बिल्कुल कम कम गहरी है, सेंटर में देखा वहां ज्यादा गहरी है, उस साइड के किनारे और भी कम गहरी थी. तो उसने नदी की औसत गहराई माप ली. उसने कहा कि हाँ नदी की औसत गहराई 3.5 फीट है. उसकी मान ली 3.5 फीट है. और उसने ये मान लिया कि उसने परिवार के 4-5 सदस्य थे, उनकी भी औसत लंबाई माप ली. उसने पति पत्नी तो लंबे थे, बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे थे, पर उन सबकी औसत लंबाई 3.5 फीट से ज्यादा आई, ठीक है ना. उसने कहा कि हमारी से भी परिवार वालों की औसत लंबाई उस नदी की औसत गहराई से ज्यादा ऊंची है, इसका मतलब हम पानी में डूबेंगे नहीं, हम निकल जाएंगे. अब पत्नी ने माथा पीट लिया. उसने कहा कि बीच में गहरी होगी उसका क्या करेंगे. उसने कहा नहीं, गणित कभी गलती होती है. उसने अपने बच्चों को ले पटका, बच्चे किनारे तक थे तब तो बेचारे पानी में डूबे नहीं, पर जैसे जैसे नदी बीच में गहरी आती रही, बच्चों के गले के ऊपर तक पानी आता रहा. पति ने कहा बच्चे डूब जाएंगे, नदी गहरी है बीच में. पति ने कहा नहीं, गणित गलती होती है, मुझे नॉलेज है, नहीं डूबेंगे. और बीच से निकालने की कोशिश की, जैसे बहुत ज्यादा गहराई आई भाई बच्चे डूब गए, दो पति पत्नी बच गए क्योंकि उनकी लंबाई ज्यादा थी. तो इसे कहते हैं थोड़ा नॉलेज. कम नॉलेज होता है ना, ये हमेशा क्या होता है, हमारे लिए खतरनाक होता है. इसलिए या तो इसका नॉलेज आपको होगा या इसका नॉलेज आपको नहीं होगा. बीच की अवस्था कुछ नहीं. और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर सब्जेक्ट में कमजोरी क्यों होती है हमारी, हम वो थोड़े थोड़े वाले ही हैं. थोड़े मतलब किसी जैसे गणित है बहुत कठिन है, थोड़ी सरल प्रश्न वाले सीख लेते पास हो जाएंगे, वो थोड़े के चक्कर में फिर वो गणित वैसी वैसी पूरी रह जाती है. चलिए लेट्स स्टार्ट हियर. नाउ विद हेल्प ऑफ यू आई विल डू दिस. द थीफ टुक प्लेस मिडनाइट. क्या आएगा मिडनाइट में, ठीक है. मैंने आपको मैंने उस समय बताया था, मैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, पर एट आफ्टरनून, एट मिडनाइट. क्या लगता है, आफ्टरनून? हाँ आफ्टरनून में बोला नहीं होगा, एट मिडनाइट. क्या होगा यहाँ पर, नाइट होता तो इन द नाइट होता, ठीक है. आई विल बी गोइंग होम दिवाली. दिवाली दिवाली फंक्शन है, समारोह है. क्या लगता है, ऑन लगेगा? नियम खोल के देखो, एट नहीं होगा, ऑन होगा. देखो उसको नियम में देखो, समारोह दिवाली होने के पहले हमेशा ऑन लगता है. क्या लगेगा, ऑन लगेगा. वी विल डिस्कस दिस. ये प्रॉब्लम है वहां, ये एम खा गया. वी विल डिस्कस दिस प्रॉब्लम लंच. लंच के पहले क्या लगता है, एट लंच, इन लंच नहीं लगता है, एट लंच. द ट्रेन विल रीच जयपुर फ्राइडे. ऑन फ्राइडे ऑन क्यों लगेगा, ऑन फ्राइडे. द फंक्शन विल बी एट फेब्रुवरी. ऑन तारीख के, तारीख के पहले क्या लगता है, तारीख के पहले क्या लगता है, देखो उसमें जो रूल्स खोलो, ऐसे नहीं तो वहां उसके बाद रूल खोलो. एग्जैक्ट तारीख को क्या लगता है चेक करो,
अभी मतलब देर नियम तो कौन पता चल जाएगा देखो तारीख तारीख के पहले क्या लगता है देखो क्या लिखा हुआ तारीख क्या दिन होता तारीख क्या दिन होता ऑन 8 फरवरी नील आर्मस्ट्रांग रीच द मून 1969 कौन सा 19 साल के पीछे ऑन नहीं लगता है इन क्या लगता है समय अवधि में क्या लगता है इन लगता है तारीख के पहले ऑन लगता है ये कंफ्यूजन निकाल देना वी शिफ्टेड टू दिस हाउस फरवरी क्या लगेगा इसमें ऑन क्यों लगेगा इसमें तारीख तो नहीं है सिर्फ महीने का नाम है इसलिए इन लगेगा इन फरवरी एग्जैक्ट तारीख हो तो ऑन लगता है फिक्स तारीख ऑन और महा का नाम हो तो क्या लगता है इन लगता है विल यू कम 5 o'clock घड़ी का जो समय हो 5 बजे 6 बजे उसके लिए क्या लगता है एट लगता है एक्स इज मेड आयरन फ्रॉम क्यों लगेगा आयरन दिखता है कुल्हाड़ी किससे बनती है आयरन से और उसमें कुल्हाड़ी में लोहा दिखता है कि दिखता है इसलिए क्या लगेगा फ्रॉम साहिल भैया अपने तो बेड़ो तुम तो क्या लगेगा फ्रॉम टीयर्स रोल डाउन हिज आईज फ्रॉम सही है पर क्यों सही है बताओ अलग हो रही बिल्कुल सही कहा उसने अलग होना क्या होना अलग क्योंकि जो आंसू है वो आंखों से अलग हो रहे हैं और जहाँ अलग कुछ होता है वहां हमेशा किसका प्रयोग करते हैं फ्रॉम का प्रयोग करते हैं फ्रॉम ही ठीक है अगला ही स्टूड द एंड ऑफ क्यू ही स्टूड द एंड ऑफ क्यू वह पंक्ति में अंत में खड़ा था क्यू में खड़ा है तो साथ साथ ही खड़ा है पास में खड़ा है तो क्या आएगा एट द एंड ऑफ क्यू द नोटिस इज पेस्टेड वॉल नोटिस दीवार पर चिपकाई गई पर क्या आएगा ऑन दीवार पर क्या आएगा ऑन वॉल देर इज लिटिल मिल्क द बॉटल बोतल में कम दूध है तो पहले से अंदर की स्थिति इसमें क्या आएगा आएगा यहाँ पर इन बर्ड्स आर सिटिंग द ट्री mm-hmm. पक्षी पेड़ों पर बैठे हुए तो हमें ऑन लगाएंगे पर मैंने आपको बता दिया था जो पक्षी होते जो वृक्षों का जो घेरा होता है उस घेरे के अंदर बैठते ऑन का मतलब तो ये हुआ है कि किसी पेड़ के ऊपर की सबसे ऊंची शाखा सबसे ऊपर वाली पत्ती पे कोई पक्षी बैठ नहीं सकता है तो इसलिए उस घेरे के अंदर बैठते इसलिए क्या लगता है यहाँ पर इन लगता है There were clouds the hills पहाड़ियों पर बादल अबव आएगा या ओवर आएगा जो अबव भी लिखो तो गलत नहीं है पर यहाँ पर जो पहाड़िया जो बादल है पहाड़ियों को क्या करते हैं ढक देते हैं पूरा क्या करते हैं कवर कर लेते हैं इसलिए ओवर द हिल विकेट कीपर स्टैंड्स द विकेट विकेट कीपर विकेट के पीछे खड़ा रहता है विकेट कीपर क्या करता है विकेट के पीछे खड़ा रहता है पीछे के लिए क्या आएगा बिहाइंड द विकेट राम सिट्स मी इन द क्लास बिसाइड से है और बिसाइड है हाँ पास में जो बैठता है उसके लिए किसका प्रयोग होते हैं बिसाइड का या बिसाइड्स का चलो कंफ्यूज रूल्स निकालो देखो दोनों बिसाइड्स वाला चेक करो आज पता चल जाएगा देखो ताकि आपको पता चलता रहेगा कि रूल्स के अंदर से याद आएगा बिसाइड्स और डिसाइड फिर बिसाइड्स पास के लिए बिसाइड यहाँ पर कौन सा आएगा ये बिसाइड मथुरा इज दिल्ली एंड आगरा मथुरा दिल्ली और आगरा के बीच में है मैंने आपको बताया था बिटवीन का टी याद रखो टू दो के बीच में अमोंग ए याद रखो ऑल सबके बीच में
या दो के बीच पे दिल्ली एंड आगरा, तो इसके लिए किसका प्रयोग होगा? बिटवीन का। द रैबिट इज द बुशेस, रैबिट खरगोश झाड़ियों के बीच में, झाड़िया वहां दो से ज्यादा है, बुशेस का मतलब झाड़िया दो से ज्यादा होगी, दो के बीच में हो बिटवीन, दो से ज्यादा के बीच में हो तो अमोंग ऑल। आई गो स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल डेली, क्योंकि कहीं जाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग। अब ये दो एक्सरसाइज तो आपने की, अब इसी वीडियो के साथ में एक एक्सरसाइज का वीडियो इस पे भी जोड़ लेता हूं मैं, जो आपको जाके घंटे दो घंटे पे वीडियो अपलोड हो जाएगा, वो आपको क्या है करना है। थोड़ी देर साइलेंट रहो, मैं इसका वीडियो बना लेता हूं।